नमस्कार दोस्तों, चम्मच तो केवल खाना खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दोस्तों चम्मच से आप पता लगा सकते हैं कि आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार तो नहीं। दोस्तों चौंकिए मत, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जोलिन हबर के रिसर्च में यह बात सामने आई है कि चम्मच को आप अपने जीभ पर रख कर पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ या फिर थायराइड या फिर कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों यह साइंटिफिक प्रूवन है। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोगों को यह बात हजम नहीं होगी, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको चम्मच की मदद से आप अपने शरीर के अंदर की बीमारियों को पता लगा सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं, मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल इसी तरह की जानकारियां और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों यह बिल्कुल फ्री है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चम्मच को लें और इसके उभरे हुए भाग को जीभ पर स्लोली स्लोली तब तक रगड़ें जब तक चम्मच के ऊपर आपका लार न लग जाए। उसके बाद दोस्तों जब आपके चम्मच के पीछे वाले हिस्से में लार लग जाए, फिर आप उसे किसी साफ सुथरे पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में रख दें। उसके बाद आप उस पॉलिथीन के ऊपर लाइट पास करें, कम से कम 2 से 3 मिनट तक आप उसके ऊपर लाइट पास करें। अगर दोस्तों आपके चम्मच के पिछले वाले हिस्से से मीठी गंध आ रही है, आप उसे स्मेल करके देखिएगा, अगर मीठी गंध आए तो समझ जाइए कि आपको डायबिटीज हो सकता है, तुरंत डॉक्टर से मिलें। दोस्तों अगर चम्मच के पिछले हिस्से में सफ़ेद परत जम जाए तो हो सकता है आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो। अगर चम्मच के पिछले हिस्से में नारंगी रंग सा दिखने लगे तो आपको किडनी की शिकायत हो सकती है। अगर चम्मच के पिछले हिस्से में अगर पीली रंग की परत आपको दिखे तो हो सकता है कि आपको थायराइड की शिकायत हो। अगर चम्मच का पिछला हिस्सा बैंगनी रंग का हो गया तो आपके शरीर में खून संबंधी ब्लड संबंधी बीमारी हो सकती है। अगर कोई भी ऐसा आपको सिम्टम या साइन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।